गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर की इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था इल्तुतमिश द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान उसने किस प्रकार किया। उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने कर लिए थे और कुछ पॉइंट्स हमारे शेष रह गए थे, तो आज उन बाकी पॉइंट्स का ही हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आई थिंक हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे, बंगाल विजय तक हमने कर लिया था। और आज हम बंगाल विजय के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है पंजाब के खोखरों का दमन। हम खोखर जाति के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था और उससे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, तब खोखर शब्द या खोखर जाति के बारे में मैंने आपको बताया था। पंजाब में रहने वाली एक लूट मार करने वाली जाति थी, मतलब जिनका मुख्य कार्य जो था वो लूट मार करना ही था। तो अभी खोखर जाति जो थी वो खोखर जाति ने भी इल्तुतमिश के लिए समस्या उत्पन्न की थी। अब उसमें आप देखिएगा, क्योंकि खोखर जाति थी, स्वाभाविक है यदि लूटपाट का कार्य किया जाता है तो इट मीन्स वो जाति या वो ग्रुप जो भी है समुदाय वो खूंखार होगा, तभी वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। खोखर जातियों द्वारा इल्तुतमिश के लिए जो समस्याएं उत्पन्न की गई उसका एक मुख्य कारण ये था। हमने जलालुद्दीन माकबरनी के बारे में पढ़ा था जो ख्वारिज्म का युवराज था। जिस समय चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था उसी समय जलालुद्दीन माकबरनी भारत में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था और उस समय की परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने पंजाब के कुछ भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ये मैंने आपको बताया भी था। तो अब जब उसका अधिकार स्थापित हो गया तो जैसे ही मंगोलों के आक्रमण का खतरा कम हुआ तो पुनः जलालुद्दीन माकबरनी ख्वारिज्म में अपने साम्राज्य को संभालने के उद्देश्य से उसने प्रस्थान किया। लेकिन इंडिया में जिन क्षेत्रों पर, पंजाब के जिन प्रांतों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था उन सभी प्रांतों पर अपने अधिकार को बरकरार रखने के उद्देश्य से उसके द्वारा अपना एक प्रतिनिधि या अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका नाम था सैफुद्दीन करलुग। उस अधिकारी का नाम था सैफुद्दीन करलुग। अभी पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र था स्पेशली जहां पर जलालुद्दीन माकबरनी द्वारा अपना अधिकार स्थापित किया गया था। अब देखिए, एक तो समस्या ये थी कि खोखर जो है वो निरंतर लूटपाट कर रहे थे, दूसरा जो सैफुद्दीन था वो सैफुद्दीन माँ का अधिकारी नियुक्त था तो वो भी इल्तुतमिश के अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इल्तुतमिश क्योंकि अपने समस्त भाग को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था, पंजाब के इस पोर्शन को भी, तो ऐसी स्थिति में वो एक विशाल सेना के साथ उसने प्रस्थान किया और शीघ्र ही उसने सैफुद्दीन के अंडर में जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, खोखरों का दमन भी उसने कर दिया। लंबे समय के बाद एक स्थिति ये थी, जो खोखरों का आतंक था उनके लूटपाट करने की प्रवृत्ति के कारण वो अब समाप्त हो चुका था क्योंकि खोखर जाति का दमन कर दिया गया था। इस दमन के बाद उसने सियालकोट, जालंधर और नंदन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था पश्चिमी पंजाब का उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। मतलब इल्तुतमिश द्वारा सियालकोट, जालंधर और नंदन पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से पंजाब से खोखरों के आतंक को समाप्त कर दिया और जलालुद्दीन द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको भी उसने परास्त कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राजपूत एवं हिंदू शासकों से युद्ध।
राजपूत एवं हिंदू शासकों से युद्ध। देखिए अधिकांश उस समय जो शासक थे वो हमारे वर्ण आता क्षत्रिय, और उस क्षत्रिय वर्ण में राजपूत राजा ही ज़्यादा हुआ करते थे। यदि हमारा हम राजस्थान उठा करके देखें तो यहाँ के सभी शासक जो थे वो राजपूत थे। भरतपुर में निश्चित रूप से जाट वंश था, लेकिन अधिकांश थे राजपूत शासक थे राजस्थान में। और उसी तरह से भारत के विभिन्न भागों में जो राजशाही थी वो राजपूतों के द्वारा ही की जा रही थी। बड़े बड़े राज्य थे इनके, और क्योंकि हम महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा हमारे एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, हमारे यहाँ आपसी एकता का अभाव रहा है। और उसी अभाव के चलते जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तो उस 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने बड़ी आसानी से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त कर दिया था। वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसने तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। फिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक साल के बाद ही वही पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस मोहम्मद गौरी से परास्त हो गया? तो हमने जब राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा था राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध, तो उस प्रतिरोध में आपने जब हमने राजपूतों की पराजय के कारण पढ़े थे तो उनमें पढ़ा था राजपूत शासकों में एकता का अभाव। बहरहाल जो भी कॉजेज रहे हों, अब मेन मुद्दा ये था कि ये राजपूत शासक जो मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त हो गए थे, फिर यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये राजपूत शासक अधिकांश थे दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। अब उन्हें ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि इन राजपूत शासकों के विरुद्ध इल्तुतमिश को अभियान करना पड़ा? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, आप देखिए सत्ता हमेशा शक्ति के बल पर चलती है, ये नियम है, वो चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो। तो जब जब शक्तिशाली शासक रहे उस कंडीशन में जिन राज्यों पर अधिकार किया गया या जो राज्य अधिकृत हुए वो अधीनता स्वीकार करते रहे दिल्ली सल्तनत की, और उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे सुल्तान की निर्बलता इन राजपूत शासकों और हिंदू शासकों के समक्ष उपस्थित होने लगे, तो उन्होंने पुनः इस अधीनता का त्याग कर अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे स्थितियां पुनः ऐसी बन गईं कि इन राजपूत और हिंदू शासकों ने सल्तनत की अधीनता का त्याग कर दिया। इल्तुतमिश सुल्तान बना तो प्रारंभ में उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसा कि हमने पढ़ लिया अभी, और धीरे धीरे जैसे ही उसकी समस्याओं का समाधान होता गया तो उसने इन शासकों के विरुद्ध अभियान किया जो दिल्ली सल्तनत की अधीनता का त्याग कर चुके थे। अब ऐसी स्थिति में ही उसके द्वारा, आप देखिए हमने राजस्थान हिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ा, इल्तुतमिश के समय से राजस्थान पर निरंतर आक्रमण हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले मोहम्मद गौरी, उसने राजपूत राजाओं को अपने अधीन करा, फिर सल्तनत की स्थापना हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन सबको अपनी अधीनता में रखा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें इन राजपूत शासकों ने अव्यवस्था का लाभ उठा करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, तो राजस्थान पर जो आक्रमण है सल्तनत के वो निरंतर जारी रहे। और चूंकि इल्तुतमिश एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था तो उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि उसके राज्य की सीमा से लगे हुए राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किए, और इसी उद्देश्य से
आप उन राज्यों को अपने अधीन पुनः करना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा अभियान किए गए और फिर निरंतर उसको विजय हासिल होती आ रही थी। 1226 ईस्वी में राजस्थान का प्रमुख दुर्ग है रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गणेश मंदिर है, गणेश चतुर्थी आने भी वाली है, तो इस दृष्टि से भी आपको ये याद रह जाएगा। तो रणथंभौर का दुर्ग काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है और उस काल में जब हम राजपूत शासकों का या शासन का तब की बात करें तो किले हर दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, हर राजा इनकी इम्पोर्टेंस को समझता था और इसलिए सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन किलों का निर्माण किया गया था। हमने दुर्ग स्थापत्य पढ़ा है और उसी में हमने इसके बारे में पढ़ा था क्यों दुर्गों का निर्माण कराया जाता था। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध दुर्ग था जो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था दिल्ली की सीमा पर। उसके साथ साथ यहाँ पर अधिकार करने के बाद अन्य राज्यों और दुर्गों को अपने अधीन करना इजी था। तो 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद उसने जालोर, अजमेर, बयाना, तहनगढ़ और सांभर, जहाँ पर लेक है खारे पानी की, उस पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं विस्तारित होने लगीं और अपनी इन विजयों से इल्तुतमिश काफ़ी उत्साहित हुआ और अपने इस विजय अभियान को फिर उसके द्वारा निरंतर रखने का प्रयास किया गया। और यही कारण है फिर 1231 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, ग्वालियर का प्रसिद्ध दुर्ग एमपी में, और इस दुर्ग पर भी उसका अधिकार हो गया। इस समय जो यहाँ का राजा था उस राजा का नाम था मंगलदेव, ग्वालियर के जो शासक थे उनका नाम था मंगलदेव। यद्यपि पूरे एक वर्ष तक मंगलदेव द्वारा तुर्क सेना का विरोध किया गया और उसका सामना किया गया, लेकिन अंततः जब उसे विजय की कोई उम्मीद नहीं रही तो वह ग्वालियर के दुर्ग से भागकर दूसरे दुर्ग में शरण प्राप्त करने के उद्देश्य से चला गया और फिर ग्वालियर के दुर्ग पर मुस्लिम सेना का अधिकार स्थापित हो गया। यहाँ पर रशीदुद्दीन नामक एक अधिकारी को इल्तुतमिश ने नियुक्त किया, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें जो ग्वालियर का दुर्ग था उसकी रक्षा का दायित्व रशीदुद्दीन नामक अधिकारी को सौंपा गया। इसके बाद जो विजय अभियान था उसको निरंतर रखते हुए चंदेलों के विरुद्ध आक्रमण किया गया, लेकिन चंदेलों द्वारा जब विरोध किया गया, निरंतर विरोध किया गया और जिन दुर्गों पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया था उन्हें पुनः अपने अधिकार में चंदेलों द्वारा किया गया। आपको याद होगा हम पढ़ चुके चंदेल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध वंश रहा है बुंदेलखंड का। तो इन चंदेल शासकों के द्वारा दोबारा उन अधिकृत क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। इसके बाद 1233 और 34 के पीरियड की यदि हम बात करें तो इल्तुतमिश क्योंकि निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा था और उसके द्वारा जब निरंतर विजय प्राप्त हो रही थी तो स्वाभाविक यदि आपको सफलता मिलती रहेगी तो आपके उत्साह में वृद्धि होती रहेगी और इन्हीं से प्रेरित होकर के उसने 1233-34 ईस्वी में जो गुहिलोत वंश था नागदा का, उसने गुहिलोतों पर आक्रमण किया। गुजरात के जो सोलंकी थे, जो राजवंश था सोलंकी राजवंश, उसने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान करे, लेकिन दुर्भाग्य से गुहिलोतों और सोलंकियों के विरुद्ध उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। फिर काफ़ी लंबा ये पीरियड चलता रहा और 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा मालवा पर अधिकार कर लिया गया। मालवा आपको पता है जो हमारा
राज्य था वो तुर्कों के आकर्षण का विशेष केंद्र रहा है। राजस्थान हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मालवा से लौटती हुई तुर्क सेना में धन के बंटवारे को या लूट के बंटवारे को लेकर के संघर्ष हुआ था और कैसे यहाँ के राजाओं द्वारा उन्हें शरण दी गई थी और फिर इल्तुतमिश ने अपने उन विरोधियों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उन विरोधियों के वापस मांगने की बात की थी और यहाँ उन्हें लौटाया नहीं गया था, तो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो मालवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहाँ राजपूताना गुजरात सभी को अपने अधिकार में रखना आसान था। तो 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा 3435 ईस्वी में मालवा को अपने अधिकार में कर लिया गया था। इसके बाद भिलसा जो मालवा में ही है, मालवा राज्य में, भिलसा का जो नगर था काफ़ी सुंदर था और यहाँ का दुर्ग भी बड़ा प्रसिद्ध था। तो इल्तुतमिश द्वारा इस दुर्ग को जीत लिया गया और यहाँ पर 300 वर्ष पुराना एक बहुत भव्य मंदिर था। उस भव्य मंदिर को क्षति पहुँचाई गई थी और पूरी तरह से उस मंदिर को भूमि सात कर दिया गया था। और इसी दौरान जब वो उसने उज्जैन पर आक्रमण किया तो उज्जैन में उसे विशेष प्रतिरोध का यद्यपि सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के मंदिर को भी उसने क्षति पहुँचाने का प्रयास किया था और वहाँ उसने काफ़ी लूटमार की थी। तो राजस्थान, मालवा, MP ये सारे क्षेत्र जो थे वो इल्तुतमिश के द्वारा पदाक्रांत किए गए थे। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना। खलीफा द्वारा सम्मान प्राप्त करना, ये मैंने आपको बताया भी है खलीफा कौन होते थे, जो मुस्लिम जगत के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे और साथ ही साथ शासनाधिकारी भी थे। तो जो खलीफा था उस खलीफा से अपने राज्याधिकार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त करने के प्रयास किए। मैंने आपको बताया भी था कि खलीफा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे राजनीति के क्षेत्र में भी। तो इल्तुतमिश क्योंकि एक गुलाम था इसलिए उसका राज्याधिकार जो था वो काफ़ी निर्बल था, तो अपने उस निर्बल राज्याधिकार को सबल बनाने के उद्देश्य से उसने खलीफा से ये मिन्नत की कि उसके सुल्तान के पद को मान्यता प्रदान की जाए। तो जिस समय इल्तुतमिश सुल्तान था उस समय बगदाद का खलीफा था अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला, अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला। तो अल इमाम मुत्तसिर बिल्ला जो खलीफा था उसके द्वारा इल्तुतमिश के पद को मान्यता प्रदान कर दी गई। इतना ही नहीं, खलीफा द्वारा उसे नासिर अमीर उल मोमनीत, नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इसको याद रखना, नासिर अमीर उल मोमनीत का अर्थ होता है खलीफा का सहायक। तो इस तरह से जो दुर्बल राज्याधिकार था उसको उसने मजबूत बना लिया और खलीफा के द्वारा उसे खिल्लत भी भिजवाई गई थी। खिल्लत से अभिप्राय है पोशाक। तो जब उसको सुल्तान पद की मान्यता प्रदान की और नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि प्रदान की गई तभी खलीफा के द्वारा उसको खिल्लत यानी पोशाक भी भिजवाई गई थी। तो अब अपनी स्थिति को पूरी तरह से इल्तुतमिश ने मजबूत कर लिया था। तो जितनी समस्याएं थी उन तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश को आखिर जो सफलता प्राप्त हुई और वो भी उस पीरियड में जब उसके विरोधियों का अभाव नहीं था, तुर्क अमीर सरदारों द्वारा, राजपूत हिंदू शासकों द्वारा, चाहे पंजाब की खोखर जाति हो,
चाहे जलालुद्दीन माकबरनी का संकट हो, उसके अधिकारियों का हो, इन सारी समस्याओं का समाधान जो इल्तुतमिश द्वारा किया गया, तो अपने इतने बड़े मिशन में उसको कामयाबी कैसे मिली, क्या रीजंस रहे, तो उसके लिए आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी योग्यता आपको सफलता दिलाती है। तो चूंकि इल्तुतमिश एक योग्य शासक, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ, एक पराक्रमी सेना नायक था, तो उसने अपनी सूझबूझ के बल पर बड़ी आसानी से अपने इन विरोधियों का सफाया कर दिया, उनका दमन कर दिया। दूसरी बात, सौभाग्य ये था कि उसके विरोधी तो बहुत थे, लेकिन सौभाग्य से उसके उन विरोधियों में एकता का अभाव था, और उसी एकता के अभाव के कारण वो संगठित होकर के इल्तुतमिश के विरुद्ध विरोध नहीं कर सके, तो उनकी एकता के अभाव का कारण भी इल्तुतमिश की सफलता का कारण बना। इसी तरह से हम बात करें यदि राजपूत शासकों की या हिंदू शासकों की, तो उनमें भी एकता का अभाव था, और उस एकता के अभाव के कारण राजपूत शासकों के विरुद्ध भी उसने जो अभियान करे उनमें से अधिकांश थे उसको सफलता प्राप्त हुई। फिर अपने दुर्बल राजाधिकार को उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त करके अपना दावा जो था सुल्तान बनने का या सुल्तान के पद का, उसे सिद्ध कर दिया। तो जो विरोधी अब तक उसके गुलाम होने के कारण उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब जब उसका राज्याधिकार मजबूत बन गया तो वो उस बेस पर उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से विभिन्न कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से इल्तुतमिश अपने कार्यों में सफल हुआ, अपने उद्देश्यों में सफल हुआ। अब हमारा लास्ट टॉपिक देखिए, हम जब भी किसी शासक या सुल्तान की बात करते हैं तो उसमें उसका मूल्यांकन आता है, और मूल्यांकन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने पर्टिकुलरली बता रखे हैं, जैसे योग्य शासक, पराक्रमी सेना नायक, एक अच्छा प्रशासक और दूरदर्शी शासक, कूटनीतिक शासक, कला और कलाकारों का सम्मान करने वाला। इन सारे पॉइंट्स के आधार पर आप इल्तुतमिश का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब हमने इसको पूरा पढ़ लिया है हर दृष्टि से ही, तो मेरे हिसाब से अब इसका मूल्यांकन करने में आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, और फिर भी यदि होता है तो जब भी हम मिलेंगे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इन पॉइंट्स को मैंने दिया है, आप इनको करके व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है यदि आप उसमें मुझे लिख करके अपने PDF सेंड करेंगे तो मैं उनको चेक करूंगी, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश है उसके बाद इसकी पुत्री रजिया सुल्ताना, वो इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में ही क्लास लेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।